आज आप ना मेरे तरीके से आलू और बैंगन को फ्राई करके देखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। इसको आलू और बैंगन ऐसे लंबे लंबे काट लेंगे, और हम लेंगे जीरा, सौंफ, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा मतलब हल्का भून लेंगे, मतलब थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, इसको ज्यादा नहीं हमको फ्राई करना है। इसको बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के कूट लेंगे इसको, कूट लेंगे और इसको हल्का कूटने के बाद अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। इसमें उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू हम पहले डालेंगे क्योंकि आलू को फ्राई हो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। सारे आलू डाल के अच्छे से इनको मिला लेंगे। के बाद हम कुछ उसे 2-3 मिनट बाद तक हम फिर इसमें बैंगन डालेंगे। बैंगन को भी हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसे हम ढक देंगे। फिर इसे हम ढक्कन हटाकर देखेंगे कि ये थोड़ा हल्का पक चुका है। अब इसमें हम हल्दी हल्दी मिला लेंगे। हल्दी डाल के हम अच्छे से थोड़ा मिला लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे। उसके बाद जो हमने मसाले को कूट के रखा था उसको डाल देंगे, और इसमें मैं थोड़ा ना सा आमचूर पाउडर भी डालकर इन सबको मिला लेती हूँ अच्छे से। और अब इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ। नमक डाल कर मैं इन सबको पकने के लिए 5 मिनट तक ढक देती हूँ। इसके बाद 5 मिनट बाद हम देखेंगे हमारा हमारा आलू और बैंगन तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अपने घर बना के देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आपके घर में सबको पसंद आएगा। आप बनाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू।